बनाने वाले हैं समोसा शीट और स्प्रिंग रोल शीट और फिर उनकी फिलिंग जो दो टाइप की होगी। मैंने यहाँ पर 3 कप मैदे का आटा लिया है जो छना हुआ है। अब हम इसमें 1.5 स्पून नमक डालेंगे, 2 से 2.5 स्पून ऑयल, 2 से 2.5 स्पून इस तरीके से आटा गूंद लें और 1 टेबलस्पून ऑयल डालें। इसे ढककर 30 मिनट के लिए रखें। 30 मिनट रेस्ट देने के बाद इसे और थोड़ी देर गूंदेंगे, तकरीबन 5 मिनट तक। अब इन्हें डिवाइड करेंगे। बारह से 13 लोइयां हो चुके हैं। अब हम इसे बेलते हैं। एक बोल साइज के बेलने पहले इतना साइज ठीक है। हम इन पर ऑयल लगाएंगे। याद रहे कि ऑयल अच्छी तरह से लगाएं, थोड़ा भी गैप ना रखें ताकि लेयर्स निकलने में इजी हो। अब ऊपर से सूखा आटा डस्ट करते हैं। और एक लेयर ऐड करेंगे। इसी तरीके से 4 लेयर ऐड करेंगे। इसी तरीके से सारे तैयार कर लें और ऊपर के लेयर में ऑयल ना लगाएं। ये 4 लेयर मैंने इस तरीके से बना लिया है। अब नीचे थोड़ा सूखा आटा डस्ट करके और थोड़ा ऊपर भी, जितना पतला हो सके उतना पतला इसे बेलेंगे। जैसे कि आमतौर पर घर पे ज़्यादा बड़े तवे नहीं होते, तो मैंने इस तरीके से एक देगची ले लिया है, उसे पलटा कर 2 मिनट के लिए गर्म कर दिया है। अब इस पर हमारी रोटी सेकते हैं। 2 मिनट के बाद मैं इसे पलटा रही हूँ। सिक चुका है एक साइड और 2 मिनट के लिए इसे और एक साइड पकाएंगे। इसी तरह से सारे हम इस शीट्स को पका कर रेडी कर ले। ये भी अब तैयार हो चुका है। अब हम इसे निकालते हैं। अब इनके साइड्स को कट करेंगे। इन्हें डीप फ्राई करके इन साइड्स को पापड़ी चाट में भी यूज कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं वो भी रेसिपी आपको दिखाऊंगी। इक्वल साइज की पट्टीज को कट करेंगे। अब हम इन्हें अलग करेंगे। मीडियम
लीडर की जो है थोड़ी सी अच्छी रहती है। माशाल्लाह। अब किस तरीके से समोसा शीट और स्प्रिंग रोल शीट एक ही में बनाते हैं वो दिखाती हूँ मैं आपको। थोड़ा बड़ा रखकर साइज कट करेंगे। ये स्प्रिंग रोल शीट है और ये जो बीच में बच गया है समोसा शीट, ना कोई वेस्टेज होगा। कढ़ाई लेंगे, इसमें एक स्पून ऑयल डालेंगे। ये मैं स्प्रिंग रोल की फिलिंग बना रही हूँ, इसमें रफली चॉप ग्रीन चिली, लहसुन एक स्पून रफली चॉप, हाफ स्पून अदरक ये भी रफली चॉप, इन्हें लो हीट पर थोड़ी देर के लिए फ्राई कीजिए। अब हम हाफ कप प्याज डालते हैं, ये ग्रीन अनियन का प्याज है, व्हाइट वाला प्याज। मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज का कैबेज लिया है, इसे मैंने श्रेड कर लिया है। अब फ्लेम को हाई करेंगे और एक एक करके वेजिटेबल्स डालते जाएंगे। दो मीडियम साइज कैरेट जिसे मैंने इस तरीके से फाइन चॉप किया है, ज़्यादातर ना पकाएं वरना ये जो वेजिटेबल्स हैं पानी छोड़ देंगे। अब एक बड़ा साइज का कैप्सिकम, थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन, इसे हाई फ्लेम पर भी कुक करें। ये बॉईल किया हुआ चिकन है जिसे मैंने हाफ स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा नमक डालकर बॉईल किया है और श्रेड कर लिया है, तकरीबन 300 ग्राम जितना है ये। टू स्पून सोया सॉस, विनीगर या फिर नींबू का जूस एक स्पून, मैं यहाँ पर नींबू का जूस ऐड कर रही हूँ। 1 स्पून काली मिर्च। अब हम इसे अच्छे से स्टर करते हैं। हाई फ्लेम पर पकाने से बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ रहा, इसे इसी तरीके से पकाना है। 4 से 5 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें नमक ऐड करते हैं। याद रहे नमक थोड़ा देख कर यूज़ करें क्योंकि चिकन में भी डाला था और सोया सॉस में भी होता है। मैं तकरीबन 1 स्पून के करीब डाल रही हूँ, उससे थोड़ा कम ही। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप सॉल्ट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये कुक हो चुका है, अब हम धीमे की फिलिंग बनाते हैं समोसों के लिए। मैं यहाँ पर 1.5 स्पून ऑयल यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने हाफ स्पून अदरक और एक स्पून लहसुन जिसे रफली चॉप किया है वो ले लूँगी। एक से 2 स्पून रफली चॉप ग्रीन चिली, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो ज़्यादा ऐड कीजिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये थोड़ा सा शैलो फ्राई करते हैं, इस कच्चे मसालों की स्मेल जो निकल जाएगी।
मैं यहाँ पर 1/2 kg बीफ कीमा यूज़ कर रही हूँ, जिसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब इसे हाई फ्लेम पर पूरा पानी सूख जाने तक कुक करेंगे। हाफ स्पून जितना सॉल्ट, पहले इस कीमे के सारे पानी को ड्राई करते हैं, फिर आगे सारे मसाले ऐड करते जाएंगे। इसमें मैं 1/2 स्पून हल्दी ऐड करूंगी। और एक फाइन चॉप प्याज है 2 से 3, ये अभी ऐड करूंगी ताकि पक के इसका पानी भी खुश्क हो जाए। याद रहे इसे कवर करके ना पकाएं, इसे ओपन ही पकाएं। इसे 5 मिनट के लिए ओपन पकाएंगे बिना कवर करे, फिर उसके बाद में 10 मिनट के लिए लिड बंद करके पकाते हैं। अभी और थोड़ा सा पानी बाकी है, अब मैं इसमें पुदीना और हरा धनिया डालूंगी फाइन चॉप करके। थोड़ा सा ग्रीन अनियन, अब इसे ढककर 10 मिनट के लिए कुक करेंगे हाई फ्लेम पे ताकि कीमा अच्छी तरह से गल जाए। माशाल्लाह से कीमा जो है तैयार हो चुका है, इसका सारा पानी सूख चुका है और कीमा भी गल चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ करते हैं। मैंने इन्हें ढक दिया था ताकि ये सूख न जाए। अब मैं इन्हें फिल करके बताती हूँ। ये हमारा चिकन का फिलिंग है जिससे हम स्प्रिंग रोल बनाएंगे। ये मैंने मैदे को थोड़े से पानी में इस तरीके से गाढ़ा पेस्ट बना लिया है। इनके साइडों पे पेस्ट लगा लेंगे। इस तरीके से सारे स्प्रिंग को तैयार कर लिए। मैंने इस तरीके से समोसे तैयार कर लिए हैं और स्प्रिंग रोल्स भी। अभी मैं फ्राई करते हैं। मैंने यहाँ पे तेल को गरम रखा है, ज्यादा गरम ना करें और लो हीट पर ही इन्हें तलें। एक मिनट के बाद ही इन्हें पलटें और गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें फ्राई करें। याद रहे लो टू मीडियम हीट पर ही फ्राई करना है, इससे इन्हें क्रिस्पी और क्रंचीनेस आएंगे। माशाल्लाह ये क्रिस्पी एंड गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हमें इसे निकालते हैं। अब हम इसी ऑयल में समोसों को भी फ्राई करते हैं। माशाल्लाह ये सही कलर है। अब इन समोसों को भी निकाल लेंगे। अगर मेरी रेसिपीज आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए, कमेंट करना ज़रूर। माशाअल्लाह से अल्लाह की रहमत बरस रही है बाहर। हमारे यहाँ पर बारिश हो रही है, रोज़े भी बड़े ही अच्छे गुजर रहे हैं। आपके कैसे रोज़े जा रहे हैं हमें ज़रूर कमेंट करके बताना।